हेलो बच्चों, करते हैं हम लेक्चर 4 चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में। क्वेश्चन नंबर 4 करना है एक्सरसाइज 3.2 का। अब इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। फिर कह रहे हैं अगर इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, कि अगर कंसिस्टेंट है तो हमने इसका ग्राफ भी बनाना है। तो फर्स्ट पार्ट मैंने लिया है। अब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट लेक्चर 3 वीडियो में बेटा बहुत अच्छे से कवर्ड है, तो तुम लोगों ने अगर उसको मिस किया है तो उसको भी जरूर रेफर करो ताकि ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब ये जो इक्वेशंस दी हुई हैं इससे हम शुरू करते हैं। तो इक्वेशंस में हमेशा ये याद रखना है कि एक्स वाई एंड कॉन्स्टेंट एक साइड कर लिया, और फर्स्ट इक्वेशन में a1 लिखना हमने, a1 इज कोफिशियंट ऑफ एक्स यानी 1, b1 इज कोफिशियंट ऑफ y वो भी 1, और c1 क्या है कॉन्स्टेंट दैट इज -5। अब दूसरी इक्वेशन 2x प्लस 2y, ये जो इज इक्वल टू 10 है इसको भी इधर की तरफ शिफ्ट कर दिया और ऐसे दिखा, तो a2 2 हो गया, b2 कोफिशियंट ऑफ x वो भी 2, और c2 इज -10। अब हम कैलकुलेट करेंगे a1 अपॉन a2, तो a1 अपॉन a2 हो गया 1/2। इसी तरह से b1 अपॉन b2 वो भी आ गया हमारा 1/2। ये दोनों इक्वल आ गए। जब भी ये इक्वल आते हैं तो हम फिर आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं, c1 अपॉन c2 भी फाइंड करते हैं। तो c1 अपॉन c2 भी कैलकुलेट किया तो कितना है -5/-10, ये कट गया इधर, और 5 2s are 10, तो कितना आ गया c1 अपॉन c2 इज 1/2। तो हमने देखा कि तीनों इक्वल आ गए, तो हमने लिखना है देयरफॉर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये कंसिस्टेंट केस है एंड इक्वेशंस हैव इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस। ये तो क्वेश्चन का हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ। उन्होंने बोला है कि अगर कंसिस्टेंट है तो फिर हमने सॉल्यूशन निकालना, अभी कंसिस्टेंट तो आ गया, अब हमें इसका ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। तो हम ग्राफ कैसे बनाते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं। अब ग्राफ के लिए पहली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन हमारी है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो इसके हम पॉइंट्स लिखेंगे, तो वाई इज इक्वल टू 5-x लिख लिया। तो इसके पॉइंट्स हमने कैसे लिखने हैं, एक्स और वाई की वैल्यूज हमने एक्स की डालते जाना है, करस्पॉन्डिंग वाई हमारा कैलकुलेट होता जाएगा। तो एक्स और वाई, एक्स को 0 डाला तो वाई की वैल्यू आ गई 5, एक्स को 1 डाल दिया तो वाई कितना आ गया 4, एक्स को अगर हमने 2 डाल दिया तो 5-2 हो गया 3। तो इससे पॉइंट्स हमारे आ जाने हैं 0-5, फिर आ गया 1-4, और फिर हो गया 2-3। इसी तरह से हमने सेकंड इक्वेशन का भी निकाल लेने पॉइंट्स। ये फर्स्ट इक्वेशन थी, अब सेकंड है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, तो इसको लिखेंगे 2y इज इक्वल टू 10-2x, सो y इज इक्वल टू 10-2x/2। तो इसके भी पॉइंट्स हम ऐसे लिख लेते हैं, कम से कम 3 पॉइंट्स निकालने हैं हमने इसमें। तो x को 0 रखा, x को 0 रखेंगे तो 10-0 यानी 10/2 5, फिर x को हमने 1 रखा तो 10-2 हो गया 8/2 4, फिर x को 2 रखा तो 2 2 4, 10-4 6/2 3। अब हम इसको जब ग्राफ बनाएंगे तो हमने देखा सारे हमने पॉजिटिव पॉइंट्स लिए हैं, तो हम मेन फर्स्ट क्वाड्रेंट को बना देंगे, 5 तक मुझे चाहिए तो मैंने 5 तक पॉइंट्स ले लेने हैं। जब तुम लोग ग्राफ अपने एग्जैक्ट ग्राफ पेपर पर बनाओगे
तो तुम्हारा और एक्यूरेट जैसे बनेगा, इसमें हो सकता है लाइंस वगैरह उतनी स्ट्रेट ना बन पाए। तो 0.5 इसको हमने नंबरिंग कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, 0.5 हमारा ये पॉइंट आ गया। 1.4 तो 1.4 इधर आ गया पॉइंट। 2.3 तो 2.3 ये पॉइंट जैसे हो गया। अब इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारे तीन पॉइंट्स हो गए। ये फर्स्ट लाइन का ग्राफ हो गया। अब सेकंड लाइन के लिए अगर हमने पॉइंट्स देखे तो पॉइंट्स हम देख रहे हैं बिल्कुल सेम है, 0.5, 1.4, 2.3 बिल्कुल सेम पॉइंट्स ही आ गए। इसका मतलब हम दोबारा यही लाइन को दोबारा से बना देंगे। इसके ऊपर ही मैंने दोबारा से इसे बना दी क्योंकि पॉइंट्स तो वही वाले हमारे आने हैं। तो हम लिखेंगे इस तरह से कि लाइन्स आर कोइंसिडेंट। कैसी लाइंस आ गई है? कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, तो अब हम करते हैं सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। तो पहले इक्वेशंस में कांस्टेंट को भी इसी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, ऐसे लिख लिया। अब इसमें a1 कितना है? a1 इज कोफिशियंट ऑफ x यानी 1। b1 कितना है? कोफिशियंट ऑफ y यानी -1। और c1 कितना है? कॉन्स्टेंट, सो इट इज -8। इसी तरह से सेकेंड वाली लाइन, तो 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16 को इधर शिफ्ट कर दिया, -16 इज इक्वल टू 0। अब a2 इज 3, b2 इज कोफिशियंट ऑफ y ये -3 और c2 इज -16। अब हम कैलकुलेट करते हैं a1 अपॉन a2 क्योंकि हमने चेक करना है कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। तो 1/3, b1/b2 ये है -1 और इधर b2 -3, तो ये कट गया। तो आ गया b1/b2 इज इक्वल्स टू 1/3, a1/a2 भी 1/3। अब दोनों इक्वल आ गए तो हमने फिर तीसरा भी कैलकुलेट करना है। तो c1/c2, c1 है -8 और c2 है -16, तो ये कट गया। 8 2 16, तो कितना आ गया? c1/c2 इज 1/2। तो देखो ये क्या केस आ गया कि ये दो तो इक्वल हैं पर ये वाला इक्वल नहीं आया, तो हमने लिखना है देयरफॉर a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो फिर से बच्चों मैं बोल रही हूँ कि लेक्चर 3 में ये कवर किया हुआ है कि कब कौन सा केस है जब इस तरह से a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, तो हम कहते हैं इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। तो ये चीज याद रखनी है, इनकंसिस्टेंट आ गया। अब क्वेश्चन कह रहा था कि अगर कंसिस्टेंट है, इफ कंसिस्टेंट, फिर ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अब ये तो इनकंसिस्टेंट आ गया है, ये जो हमने अब पार्ट किया है ये इनकंसिस्टेंट है, तो अब हमने यहीं पे क्वेश्चन को एंड कर देना है। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट। अभी हमारा थर्ड पार्ट है 2x + y - 6 = 0 और 4x - 2y - 4 = 0। तो पहले हम अब की बार हम देख रहे हैं कि कॉन्स्टेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में दिए हुए, तो हम डायरेक्टली a1 b1 c1 की वैल्यूज, इसी तरह से हमने b1 की वैल्यू लिखी 1, c1 इज -6 और ऐसे ही हम a2 b2 and c2 भी लिख लेंगे। तो a2 इज 4, b2 इज -2 एंड c2 इज -4। तो हम कैलकुलेट करेंगे a1/a2, तो ये है 2/4, तो ये कट गया। तो आ गया a1/a2 इज इक्वल्स टू 1/2। फिर हमने कैलकुलेट किया b1/b2, b1 इज 1, b2 इज -2, तो ये आ गया b1/b2 इज -1/2। अब हमने देखा कि यहां पे ये अनइक्वल आ गए,
तो जब ये अनइक्वल आ गए तो सी वन अपॉन सी टू निकालने की जरूरत नहीं है, उसका कोई यूज नहीं है। तो हमने लिखा फिर ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू। तो हम कहते हैं कि इक्वेशंस कैसी होंगी, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन। क्वेश्चन था कि अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफ भी बनाना पड़ेगा, तब इसका हमें ग्राफ बनाना है। तो पहले हमने ले लिया लाइन 2x प्लस वाई, अब हम ग्राफ यहां लिख देते हैं, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। वाई को यहां छोड़ दिया, 6 भी उधर चला गया तो प्लस, 2x को उधर गया तो माइनस 2x। इसके पॉइंट्स लिखने शुरू किए, कम से कम 3 पॉइंट्स हमने निकालने ही हैं इसमें, ज्यादा है तुम्हारी मर्जी। तो x को 0 रखा तो y आ गया 6, x को अगर 1 रखा तो 6 माइनस 2 हो गया ये 4, अगर x को 2 रखा तो 2 2 इज 4 और 6 माइनस 4 हो गया 2। तो 3 पॉइंट्स हमने ले लिए। इसी तरह से हम सेकंड इक्वेशन के लिए भी लिखेंगे। सेकेंड इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे हमने लिखा 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 2y, ये उधर जाके पॉजिटिव हो गया, तो y इज इक्वल टू 4x माइनस 4 अपॉन 2, ये आ गया। इसमें अब हम वैल्यूज डाल के पॉइंट्स निकाल लेंगे, x और y। x को 0 डाला, x को 0 डालेंगे तो ये 0 हो गया, 0 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 ये माइनस 2। फिर x को 1 डाल दिया, 1 करेंगे तो 4 माइनस 4 0, 0 बाई 2 विल बी 0। अगर x को 2 रखा तो 4 2 इज 8, 8 माइनस 4 इज 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 इज 2। 3 पॉइंट्स हमने ले लिए। अब हम इसका बनाएंगे ग्राफ। तो ज्यादा से ज्यादा y की वैल्यू 6 है और x की तो 2 है, ऐसे y की वैल्यू नेगेटिव भी है इधर। तो हमने ऐसे बनाना है कि जिसमें x, y वाली वैल्यूज कुछ नेगेटिव भी है और 6 तक भी हमें चाहिए। तो हम जब ग्राफ बनाएंगे तो y नेगेटिव वाला पोर्शन भी थोड़ा दिखा लेंगे। अब पहली लाइन प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट है ये 0,6, तो 0,6 ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट इज 1,4, तो 1,4 लेंगे तो ये पॉइंट आ गया हमारा। देन 2,2, 2,2 लिया तो इधर आ गया पॉइंट। अब इसको हमने ज्वाइन कर देना तीनों पॉइंट्स को, ये हमारी लाइन आ गई फर्स्ट वाली, और ये जो 3 पॉइंट्स थे उसको हाईलाइट कर देना है। जब तुम मेन ग्राफ्स बनाओगे स्केल वगैरह से तो और एक्यूरेट बनेगा, हो सकता है यहाँ थोड़ा लाइन इधर उधर भी हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है 0,-2, तो 0,-2 ये पॉइंट आ गया। 1,0 ये पॉइंट है, और 2,2 यही वाला पॉइंट आ गया। तो अब इनको हमने ज्वाइन करना है, ये हमारी आ गई सेकेंड लाइन। ये पॉइंट्स सेकेंड लाइन के जिनकी हेल्प से हमने ग्राफ बनाया। तो अब हमने देखा कि यहां पे सॉल्यूशन क्या इसका आ गया। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या था, इसके कोऑर्डिनेट्स 2,2 थे। ये पॉइंट फर्स्ट लाइन के ऊपर भी है और सेकेंड लाइन के ऊपर भी है, तो ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन जो हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन हो गया। तो हम लिखेंगे इसमें Hence, 2,2 is the solution
of two given linear equations. Therefore, हमेशा जब भी हम लिखते हैं तो x कॉमा y होता है, यानी x हो गया 2 और y की वैल्यू भी हो गई 2. ठीक है, तो ये हमारा थर्ड पार्ट हुआ. तो इसमें यूनिक सॉल्यूशन में ऐसे एक पॉइंट तो हमें कॉमन मिल जाएगा, ग्राफ के ऊपर और भी बहुत अच्छा से बनेगा. तो अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट हम इसका. फोर्थ पार्ट है बेटा 2x - 2y - 2 = 0 एंड 4x - 4y - 5 = 0. तो इक्वेशन में कॉन्स्टेंट लेफ्ट साइड में ही है दोनों में, तो डायरेक्टली a1 b1 c1 लिखते हैं. a1 इज 2, b1 इज -2 और c1 इज -2. इसी तरह से इस वाली इक्वेशन में a2 इज 4, b2 इज -4 एंड c2 इज -5. अब a1 अपॉन a2 तो हो गया 2/4, तो ये कट गया इधर, तो 1/2, यानी a1 अपॉन a2 इज 1/2. नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करना है b1/b2. b2 इज -2, b2 इज -4, ये कट गया, तो 2 2s, तो ये आ गया b1/b2 इज 1/2. जब ये इक्वल आते हैं a1/a2 और b1/b2, तो ही हम c1/c2 कैलकुलेट करते हैं. तो अब c1/c2 भी निकालते हैं, तो -2/-5. तो c1/c2 कितना आ गया, दिस इज 2/5. तो फिर हमने क्या देखा कि ये दोनों तो इक्वल आ गए, पर इसके इक्वल नहीं आया. तो हमने यहां लिखना a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2. तो हम क्या लिखेंगे, इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट एंड हैव नो सॉल्यूशन. इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है. जब भी इनकंसिस्टेंट होगा तो क्या रिजल्ट में होगा, नो सॉल्यूशन. तो जो इनकंसिस्टेंट वाले केस है उनका ग्राफ नहीं बनाना, सिर्फ कंसिस्टेंट वाले का क्वेश्चन में कहा था ग्राफ बना के हम फाइंड कर सकते हैं. तो अगर बच्चे ये अच्छे से सारा लेक्चर समझ में आ गया है तो वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो. और ये सारे जो वीडियोस हैं चैनल में प्लेलिस्ट के फॉर्म में भी दिए हुए हैं, तो सारे लेक्चर्स को फॉलो करो ताकि तुम्हारा टॉपिक जो है एकदम थॉरो हो जाएगा. तो मिलते हैं बच्चे एक और नए वीडियो के साथ. ओके बाय.